तुझ पे बलिया ले जाऊं कसम राम की। बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। देखा आपने कितना सुंदर गाना इन्होंने अपने पति के लिए गाया, और सुबह से ही पति के लिए निर्जला व्रत भी हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं, इतनी प्यास लगी कि बोला नहीं जा रहा। आपको कितना बेसब्री से चांद का इंतजार है ये बताइए। बस इंतजार है कि जल्दी निकले। बिल्कुल, सभी महिलाओं को कहीं ना कहीं चांद का इंतजार है। वो अपने चांद का दीदार करने के बाद वो अपने चांद का दीदार करेंगी। यहाँ पर एक पुरुष भी बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी जेब पर क्या कुछ भारी पड़ा इस बार करवा चौथ। क्या नाम भैया आपका? दुर्गेश सिंह। दुर्गेश जी बताइए, करवा चौथ महिलाएं जो अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रहती हैं, ऐसे में आपकी पत्नी ने किस तरह से व्रत रखा और कैसे आपकी लंबी उम्र की कामना की, और आपने बदले में क्या किया? हम लोगों ने कामना क्या, पूजा ये भारत की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी और पर्व है, और हम लोग गिफ्ट देते हैं, पूरे भारत में गिफ्ट दिया जाता है महिलाओं को। कहते हैं कि पतियों की जेब पर करवा चौथ काफ़ी भारी पड़ता है। हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भारी क्या है, तो फर्ज है, अदा करना ही पड़ेगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं आपको, फिर मैं एक बार दिखाऊंगा किस तरह से महिलाओं ने पूरे करवा चौथ को लेकर के तैयारी शुरू कर दी अभी से। हालांकि अभी से इनको बेसब्री से चांद का इंतजार है कि कब चांद के दीदार होंगी, और उसके बाद इनके पति द्वारा इनको पानी पिला करके इस करवा चौथ का व्रत तोड़ा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं राजधानी लखनऊ में भी किस तरह से महिलाओं ने करवा चौथ को लेकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। वहीं लखनऊ में पति की लंबी उम्र के लिए मुस्लिम महिलाएं भी करवा चौथ पर रोजा रख रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता सैयद फिरोज आलम की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पूरे देश में आज महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखे हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए दुआएं कर रही हैं। राजधानी लखनऊ का एक नजारा हम आपको दिखाएंगे, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ में हैं, जो प्रति वर्ष करवा चौथ पर अपने पति की सलामती के लिए दुआएं करती हैं, रोजा रखती हैं, नमाज पढ़ती हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं बात करने के लिए, आप देख सकते हैं लखनऊ की मुस्लिम महिलाएं हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। करवा चौथ का व्रत आप भी रखे हुए हैं, कब से व्रत ये रखती चली आ रही हैं? मेरी शादी को लगभग 13 साल हो गए हैं, और शादी के बाद से मैं लगातार करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, और मेरी ये आस्था है कि अगर इस तरह से व्रत करने से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा होता है, उनके परिवार में खुशहाली आती है, तो करना चाहिए। और मुझे मेरी कुछ फ्रेंड्स के माध्यम से बात पता चली थी कि इस तरह का व्रत करने से शौहर की लंबी उम्र होती है और घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है, तो एक दिमाग में था कि शादी के बाद मैं भी इस तरह करूँगी, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी शादी को आज 13 साल होने के बाद भी मैं लगातार इस तरह से व्रत कर रही हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे शौहर भी इसको फॉलो करते हैं और वो भी व्रत रखते हैं, वो भी दिन भर कुछ नहीं खाते पीते हैं और शाम को हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, आपके साथ में शौहर भी आपके व्रत रखते हैं। अच्छा, सुबह से इस तरह से आप तैयार होकर के सुबह किस तरह से सरका वगैरह खाती हैं, कैसे? सुबह जिस तरह हम लोग रमजान के महीने में सहरी करते हैं, उसी तरह से सरगी खाई जाती है, और वो सरगी में भी वही दूध, लच्छे, दूध और मीठा कुछ इस तरह से खाया जाता है, और उसकी भी टाइमिंग वही है जो हमारे यहाँ शहर की टाइमिंग होती है कि 4 बजे के बाद फिर हम लोग कुछ नहीं खा सकते हैं, तो 4 बजे से पहले आपको जो भी खाना पीना है, जो करना है आप कर सकते हैं। तो 4 बजे तक मैंने भी वही खाया, और उसके बाद में फिर ना मैं पानी लेती हूँ और ना खाना खाती हूँ, शाम को ही चांद देखने के बाद ही हम लोग फिर कुछ। चांद भी वैसे ही छन्नी से देखते हुए तभी उसी तरह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही उसी तरह से चांद को देखते हैं, और उसके बाद अपने शौहर की शक्ल देखते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम लोगों का रिश्ता और खुशनुमा हो, और हम लोगों को देख के जो और शादीशुदा जोड़े हैं जिनके बीच में नाइतफाकियाँ रहती हैं, उनके बीच मोहब्बत आए और वो एक दूसरे के लिए इसी तरह मोहब्बत से ज़िंदगी उनकी गुजर बसर हो सके, हमसे प्रेरणा ले सके, कुछ ऐसा करना चाहिए, और इसीलिए मैं इस तरह से करती चली आ रही हूँ। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। देखिए और भी महिलाएं हैं हमारे साथ बात करने के लिए। मैडम आप भी करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं, कब से आप रखती चली आ रही हैं इस व्रत? कॉलेज के टाइम पे हमने, मेरी फ्रेंड जो है हिंदू थी, ठीक है, वो उनके घर में सब बताती थी कि हम लोग रखते थे, तो मैंने भी सोचा क्यों ना शादी के बाद मैं भी रखूँगी, तो शादी के बाद मेरे शौहर बाहर चले गए तो मैं चाहती हूँ उनके लिए कुछ करूँ, तो मैंने सोचा उनकी सलामती के लिए आज व्रत रखूँ।
ये मतलब कब से, शादी के बाद से ही ये व्रत रख के चली आ रही हैं या आज? जी शादी के बाद से, क्योंकि वो फॉरेन विदेश चले गए तो उनकी सलामती के लिए मैंने सोचा ये व्रत रखूं। मुस्लिम परिवार से हैं, कभी ऐसा किसी ने मना करने की कोशिश की परिवार में किसी ने, या आपके पति को इसको करने से कभी कुछ एतराज रहा? नहीं, किसी को फैमिली में कोई इतराज नहीं, क्योंकि ये तो उनकी सलामती के लिए ना, कोई वो तो है नहीं, तो इस वजह से किसी ने नहीं मना किया। तो शाम को फिर किस तरीके से, पति तो विदेश में है तो फिर किस तरह से व्रत अपना खोलती हैं थोड़ा सा बताइए। हाँ, जैसे हम लोग रमज़ान में रोज़ा खोलते हैं उसी तरीके से जो है, बस मेरे शौहर वीडियो कॉल पे होते हैं और हम उनको देख के ये व्रत खोलते हैं। बहुत धन्यवाद की, मतलब शौहर वीडियो कॉल पर होते हैं और वीडियो कॉल पर देख के उनको व्रत खोलते हैं। देखिए महिलाएं तमाम हमारे साथ में हैं, और भी महिलाएं हैं, आप आगे थोड़ा सा आइए प्लीज। आप भी व्रत रखे हुए हैं? जी हाँ, मैं भी व्रत रखे हुए हूँ, मेरी भी शादी को 12 साल हो गए हैं, मैं भी मुस्लिम परिवार से हूँ, मगर मैं अपनी शौहर की सलामती के लिए व्रत रखती हूँ। तो तमाम देखिए महिलाएं हैं शौहर की सलामती के लिए व्रत रख रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसको हम ये कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि हर मतलब त्यौहार भी हम लोग मनाते हैं, चाहे दीपावली हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो, इवन हमारे यहाँ बैसाखी हो, हम हर त्यौहार अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं। और बच्चों को, क्योंकि हम लोग लखनऊ से है और लखनऊ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, तो हमारे बहुत से फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी है जो नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो हमारे बच्चे हर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं और उनको पता है कि इस त्यौहार के मायने क्या है और हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं इसे। तो हमारे घर दिवाली भी होती है, हमारे घर ईद भी होती है, हमारे घर शबरात भी होती है और हमारे यहाँ होली भी सेलिब्रेट होती है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं लखनऊ से हूँ और यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से त्योहारों को सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। बहुत सुंदर। तो आप देख रहे हैं लखनऊ यानी कि गंगा जमुनी तहजीब का शहर, वहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती नजर आ रही हैं, और कोई अपने पति जिसके विदेश में हैं उनको वो ऑनलाइन सामने करके अपना व्रत खोलती हैं। कुछ महिलाएं हैं जो सुबह से ही तैयार हो जाती हैं, सरगी का करके उसी तरह से पूरा जो है जो भी चीज़ें हैं उसको फॉलो करती हैं और पूरा दिन निर्जल व्रत रख के अपने पति की लिए लंबी आयु की दुआएं करती हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। तो वही त्योहारों को लेकर सहारनपुर नगर निगम सक्रिय हो गया है, खासतौर पर करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली और छठ पूजा के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। जापा नगर निगम की क्या कुछ है तैयारियां चल रही हैं, जानने के लिए इंडिया न्यूज ने नगर आयुक्त संजय चौहान से खास बातचीत की है, सुनिए। देखिए मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में स्वच्छ वातावरण सृजित करने के लिए नगर निगम लगातार कटिबद्ध है। सभी 70 वार्डों में हमारा डोर टू डोर सफाई अभियान इफेक्टिवली चलाया जा रहा है और इसमें ITC हमारे प्राइवेट पार्टनर के तौर पर सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगभग 1600 सफाई कर्मचारियों के द्वारा प्रतिदिन सभी वार्डों में सफाई का कार्य किया जाता है। कुछ सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त हैं जिन पर शीघ्र ही हम निजी सेवा प्रदाता के माध्यम से आपूर्ति लेकर के उस संख्या को भी पूरी करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर ये बताना चाहूँगा, जैसा पूर्व के त्योहारों के समय पर नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य किया है, उसी तरीके से हम आने वाले त्यौहार जिसमें करवा चौथ, हमारा दीपावली और अहोई अष्टमी जैसे त्यौहार सन्निकट हैं, इन अवसरों पर सफाई की मुकम्मल व्यवस्था पूरे शहर में की जाए। वहीं रामपुर में करवा चौथ के पर्व पर महिलाओं में खासा क्रेज दिख रहा है, जहां महिलाओं ने बिना कुछ खाए पिए करवा चौथ का व्रत रखा है। देखिए हमारे संवाददाता फहीम खान की एक ग्राउंड रिपोर्ट। रामपुर में करवा चौथ को लेकर महिलाओं में बहुत ज्यादा क्रेज है, खरीदारी के लिए महिलाएं पहुंचना शुरू हो गई है, स्टॉल लग गए हैं। करवा चौथ के व्रत को रखने के बाद महिलाएं खरीदारी करेंगी और जो 16 श्रृंगार होते हैं उसको करने के लिए यहाँ से वो सामान खरीदेंगी। आज इस वक्त यहाँ कई महिलाएं हैं। क्या नाम है आपको? निकिता। निकिता जी, आज आपने व्रत रखा है? नहीं, मेरी तरफ देखे थोड़ा सा घूम के। अच्छा, पति की लंबी उम्र के लिए सामान क्या क्या खरीद लिया? सामान सारा हो गया है, लास्ट का रह गया था वही ले गए। अच्छा, क्या 16 श्रृंगार में क्या क्या खरीदते हैं?
वही मेकअप का सामान होता है, फाउंडेशन, फेस पाउडर, चूड़ी, बिंदी, जितना भी होता है। लेडीज का तो कम ही कम होता है, मतलब ओरिजिनल को छुपाने के लिए। अरे नहीं, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है, फिर बस सिर्फ पति के लिए। अच्छा जी, पति के लिए। अच्छा, पति परमेश्वर आज? जी जी बिल्कुल। और बाकी सब? नहीं नहीं नहीं, बाकी दिन भी परमेश्वर ही रहते हैं। आज आपने व्रत रखा? जी जी बिल्कुल। और यहाँ सब खरीदारी की है? जी जी। पति ने छूट दी है आ जाने की? जी, वो हमेशा वो बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, आज बहुत कैसा अच्छा कैसा फील कर रही हैं आज? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। फर्स्ट करवा चौथ है, देखिए ये है फर्स्ट करवा चौथ। फर्स्ट करवा चौथ में आपने पति के लिए लंबी उम्र की? जी 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 बिल्कुल। क्या 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 किया है? बस बस हम लोग की जोड़ी बनी रहे, वो हैप्पी रहे हमेशा, बस मेरे साथ रहे, बस यही है विशिंग है बस। अच्छा जी जी जी। अच्छा, किस तरह से जो इसकी शुरुआत होती है, बिना कुछ खाए पिए? जी जी बिना कुछ खाए पिए होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोला जाता है पति के हाथ से। अच्छा जी जी, चलिए थैंक यू हमसे बात करने के लिए। हाँ, ये सब दुकान अपनी है? अच्छा, ये में दुकान भी महिला है, उनसे भी बात करेंगे। कैसी खरीदारी हो रही है आज? आज तो थोड़ा नॉर्मल है, कल सही था। अच्छा, कल सही था, आज नॉर्मल है, यानी कि आज जो खास दिन है जी, इसलिए जी, ऐसा है ना, एक दो दिन पहले ही सब खरीदारी कर लेते हैं। अच्छा, इसलिए। चलिए, इन्होंने बताया कि आज जो है वो खरीदारी हो रही है, लेकिन कल के मुकाबले कम है। किस तरह से आज महिलाओं के चेहरे पे खुशी है, वो जो पति जिसकी पूजा करने के लिए जिसकी पूजा होगी आज, और जिसको देखने के बाद ये महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी, और एक पति परमेश्वर की लंबी उम्र की कामना के लिए जो व्रत रखा जाता है, व्रत रखने के बाद वो महिलाएं खरीदारी करने के लिए आती हैं। खास तौर से ये जो चूड़ियां हैं, मैं कहूंगा कि ये कैमरे से दिखाएं चूड़ियां, कि ये जो चूड़ियां हैं, ये चूड़ियां यही वो चूड़ियां हैं जो श्रृंगार को पूरा करती है। रामपुर में करवा चौथ को लेकर महिलाओं के अंदर खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। महिलाएं आज सुबह से ही व्रत होने के बाद खरीदारी के लिए निकली हैं, बाजारों में पहुंची हैं, वहां श्रृंगार करने के लिए, सजने संवरने के लिए वो बहुत सारा सामान की खरीदारी भी कर रही हैं। आज क्या कुछ होने वाला है, आज किस तरह से ये पूरा पर्व होगा, इसको जानने के लिए आज मैं यहाँ इन गृहिणी के बीच मौजूद हूँ। ये सोनल सक्सेना हैं, आप सोनम सक्सेना हैं, ये इनकी माता जी भी हैं। यहाँ इन महिलाओं से ही जानेंगे कि करवा चौथ पे खास तौर से किस तरह की चीजें रहती हैं, किस तरह से तैयारी होती है, क्या शुरू से जानना चाहेंगे किस तरह से रहता है ये पूरा। हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, फिर 4 बजे के टाइम सर्गी की जाती है, उसके बाद में हमारा सारा दिन फास्ट रहता है, ना ही हम कुछ खाते हैं ना ही कुछ हम पीते हैं। उस फिर हम मार्केट के लिए निकलते हैं, अपनी शॉपिंग वगैरह करके लेके आते हैं, फिर शाम होते ही अपने खाने पीने की तैयारी करते हैं, उसके बाद हम पूजा के लिए अपनी माता रानी को तैयार करते हैं, खुद तैयार होते हैं। अच्छा, माता की जो लगी माता रानी, कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो है मंदिर है इनका, और ये माता रानी की तस्वीर भी यहाँ है। अच्छा, उसके बाद में पूजा के बाद? पूजा के बाद हम लोग सब फिर पूजा करके सबके अपने बड़ों के सबके आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेके अपना व्रत खोलते हैं। व्रत खोलने के बाद अपने मम्मी सास माँ को पहले। अच्छा, जब व्रत खोलते हैं तो वो क्या वो चन्नी में चांद देखते हैं, चन्नी में चांद देखते हैं, फिर अपने पति को देखते हैं, पति की आरती करते हैं, फिर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, उनकी लंबी उम्र की स्वास्थ्य की कामना करते हैं, चंद्रमा का इंतजार करते हैं, फिर जैसे ही चंदा निकलता है हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, फिर हस्बैंड को बुला के फिर पूजा करते हैं, फिर चांद में पहले चांदमा को, फिर उसके बाद पति को देखते हैं, फिर तिलक करके वो हमारा व्रत खुलवाते हैं। अच्छा। फिर व्रत खुलवा के हम सबके आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपनी सासू माँ को जो हमने जो मनसा होता है, मनसा बायना अपनी सासू माँ को देते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर उसके बाद सबके घर में सबके साथ अपना त्योहार को हम सेलिब्रेट करते हैं, फिर हम अपना व्रत खोलते हैं। आज कितनी खुशी है, आज बहुत खुशी है मेरे लिए, आपका जोड़ा भी सलामत है, बहू बेटे भी मेरे साथ हैं, सब लोग सही हैं।
अच्छा ये देवरानी जेठानी लड़ती हैं नहीं लड़ती? नहीं नहीं बिल्कुल लड़ते हैं हम नहीं लड़ती? नहीं नहीं हम बहुत आपस में सास बहू में बहुत एक से रहते हैं, एक ही जगह एक ही जगह त्योहार मनाते हैं हम सब लोग, बहुत अच्छा लगता है ये त्योहार हमें। आज लंबी उम्र की कामना भी हो, लंबी उम्र की कामना भी। अच्छा आपने व्रत में अभी कुछ खाया भी नहीं होगा? अभी कुछ नहीं खाया सुबह से, मेरे को सुबह से। अच्छा पानी भी नहीं पी सकते? पानी भी रात में 12 बजे से स्टार्ट करते हैं और जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक हमारा। अच्छा तब तक कुछ नहीं, कुछ नहीं खाते ऐसे भूखे प्यासे। खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, मतलब तैयारी कर रही आती है और हम लोग अच्छे एक्साइटमेंट होते हैं कि हम लोग ये पहनना शाम को तैयार होंगे फिर अपना चंद्रमा। अच्छा वो जो 16 श्रृंगार जिसको कहा गया होता है 16 श्रृंगार में हम सारे श्रृंगार करते हैं, जिस तरह हम नई दुल्हन बन के आते हैं इस घर में उसी तरह से हम करवा चौथ के नए जोड़ा पहनते हैं, नए जोड़े के साथ अपनी पूजा करते हैं, सब कुछ वही नया नया होता है हमारे लिए, सब नए नए तरह से। आज कितना उत्साह है देख रहे हैं आप चेहरे पे खुशियां, व्रत है सुबह से पानी भी नहीं पिया इन महिलाओं ने, लेकिन खुशी का आलम यह है कि बस शाम का इंतजार है, शाम को पति परमेश्वर के को जो है चलनी में देखेंगे और उसके बाद में अपना व्रत ये पूर्ण करेंगे। देखिए पति परमेश्वर को मैं दिखा दूं, ये पति परमेश्वर भी हैं यहाँ, आज आपके लिए भी बड़ा दिन है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा दिन है ये, बहुत साल में एक बार आता है दिन और ये लेडीजों के लिए बहुत बढ़िया दिन माना जाता है ये। आज आपके भी पूजा होने जा रही है, तो कैसा फील कर रहे हैं? How do you feel? आज हम भी पति परमेश्वर कहलाए जाएंगे, यानी कि आज पति भी जो है वो परमेश्वर की श्रेणी में आ गए हैं और इनके लिए जो इनके लिए भी बड़ा दिन है आज। महिलाओं ने वाकई में इस त्योहार को रामपुर में मैं दिखा रहा हूँ कि इन महिलाओं ने आज दिन बना दिया, यानी कि आज हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि इस खुशी के आलम में ये व्रत हैं महिलाएं, और इन्होंने ये व्रत रखने के बाद ये बताया है कि किस तरह से पति परमेश्वर होता है, यानी कि आज पति जो बेचारा होता था आज वो परमेश्वर की भूमिका में होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। इंडिया न्यूज के लिए वहीम खान रामपुर। तुम्हें गाजियाबाद में व्रतधारी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार की खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रही है, सुबह से ही बाजार में भीड़ देखी जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता संतोष चौहान की ग्राउंड रिपोर्ट। आज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा व्रत है और करवा चौथ का व्रत है, जो कि 16 श्रृंगार के साथ जो है जो व्रतधारी महिलाएं हैं वो अपना सामान खरीदती हैं आके और 16 श्रृंगार करके व्रत रखती हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पे खरीदारी करने के लिए जो व्रत कर रही हैं वो महिलाएं हैं, साथ में जो पूजा का सामान ले रही हैं, मैं उनसे पूछ के बताता हूँ क्या क्या सामान की जो है पूजा में चाहिए होता है। जी बहन जी क्या क्या सामान लगता है पूजा में? माला लगता है, पान के पत्ते, मोली रोली, मिठाई और फल वगैरह फोटो। अच्छा यही सब लगता है जी। आप भी खरीद रहे हैं, कुछ सामान बताना एक बार बहन जी, क्या क्या सामान लिया है आपने? आप बताना एक बार। अच्छा चलो ये बता देंगे, आ जाओ। ये आपने क्या क्या सामान खरीदा है अभी पूजा के लिए? पूजा के लिए रोली, माला, पान का पत्ता, नारियल, चुन्नी, लोटा, थाली। अच्छा मतलब पूरा व्रत में जो सामान की जरूरत होती है वो आपने खरीदा है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये बेच रही है एक बहन जी और बेच रही है, ये बता देंगी क्या क्या लोग खरीदने आते हैं ज्यादा, क्या खरीद रहे हैं आज बाजार? करवे वगैरह अपना सामान, चूड़ियां वगैरह, सिंगार का। अच्छा करवा चूड़ी और सिंगार का सामान खरीदने आए हैं? हाँ जी। और भी महिलाओं से बात करते हैं हम अभी जी। बहन जी क्या क्या खरीदने आए हैं आप आज व्रत में, क्या खरीदते हैं? हैं ये करवा और ये तस्वीर ये सब खरीद रहे हैं। अच्छा, ये चूड़ी और जो करवा है ये और साथ में और भी सिंगार का जो सामान है पूजा का वो खरीदारी यहाँ पे चल रही है, और मैं जो है अपने साथी से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ जो है सामान की खरीदारी जो है जो व्रत में उपयोग होने वाले सारे सामान की खरीदारी यहाँ चल रही है। इस समय बहुत भीड़ है बाजार में और जो भी व्रत का सामान है वो सारे जो व्रतधारी महिलाएं हैं वो यहाँ पे खरीदारी कर रही है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, लोनी, गाजियाबाद।
करके ब्यूटी पार्लर गुलजार है और इस ब्यूटी पार्लर में यहाँ पर महिलाओं की खासी भीड़ है जहाँ पर उनका विशेष श्रृंगार यहाँ पर हो रहा है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की खासी भीड़ जमा है जहाँ पर विशेष श्रृंगार को लेकर एक दूसरे में होड़ मची हुई है, क्योंकि शाम को होने वाली पूजा को लेकर के हर महिलाओं में एक उत्साह रहता है कि वो एक अलग सा दिखें, जिसको लेकर के वो यहाँ की ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं और विशेष श्रृंगार कराते हुए नजर आ रही हैं। मैं उन महिलाओं से बात करने का प्रयास करूँगा कि आज करवा चौथ के इस महाव्रत पर वो कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि आज वो यहाँ पर श्रृंगार कराने आई हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आज कैसे महसूस कर रही हैं आप करवा चौथ पर श्रृंगार कराने आई? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं, एंड आज मेरा फर्स्ट टाइम है करवा चौथ व्रत का, तो यस आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड ये सभी वुमेंस के लिए बहुत एक्साइटमेंट एंड बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, तो यस सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पर जो ब्यूटी पार्लर संचालक है, मैं उनसे भी बात करूँगा कि किस तरह का श्रृंगार वो महिलाओं को प्रोवाइड कर रही हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। हम यहाँ पे आज बहुत तरह के क्रिएट कर रहे हैं मेकअप, जैसा महिलाएं चाहती नेचुरल चाहती हैं, और आजकल मेकअप लेस ब्यूटी चल रहा है कि एकदम मेकअप ना दिखे वैसा भी क्रिएट कर रहे हैं, जैसा जिसको मेकअप चाहिए वैसा कर रहे हैं। और करवा चौथ की बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारी तैयारियाँ की हैं, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत करवा चौथ की बधाई। धन्यवाद आपको। देखिए जिस तरह से यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि आज वो यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में मौजूद है और यहाँ पर वो विशेष श्रृंगार यहाँ पे करवाती हुई नजर आ रही हैं। मैडम मैं आपसे एक मिनट करवा चौथ को लेकर के बात करना चाहूंगा कि आज आप यहाँ पर ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं और विशेष श्रृंगार करा रही हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? हम महिलाएं बहुत एक्साइटमेंट रहती है करवा चौथ की, इस दिन हम लोग बहुत सजने संवरने का सबका शौक रहता है, तो हमारे लिए 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है और पति की लंबी उम्र के लिए हम ये व्रत रखते हैं। हमारी तरफ से सभी महिलाओं को हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि आज वो यहाँ पर इस ब्यूटी पार्लर में इतनी भीड़ होने के बावजूद वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगी? जी नमस्कार। जी नमस्ते भैया। मुझे करवा चौथ फेस्टिवल का बहुत एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि इस दिन हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिलते हैं उसके लिए मैं सुबह से यहाँ पे आती हूँ, तैयार होती हूँ, शाम को हम लोग की पूजा होती है, और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ का मेकअप जो होता है मैं मुझे बहुत नेचुरल लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा करवा चौथ पर यहीं पर आके तैयार होती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा कि आज वो यहाँ पर श्रृंगार करा रही हैं, हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं, तो वो कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ पर जो ब्यूटी पार्लर में जो क्रिएटिव इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। मैडम नमस्कार। कैसा महसूस कर रही हैं आज यहाँ पर आप विशेष श्रृंगार करा रही हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर मेकअप कराना, और हम लोग करवा चौथ पर अच्छे से तैयार हो के शाम की पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं, और यहाँ बहुत अच्छे स्काईलाइट में बहुत अच्छे से सबको तैयार किया जाता है। हैप्पी करवा चौथ। धन्यवाद आपका। देखिए जिस तरह से जो सुहागिन महिलाएं हैं उनमें एक खासा उत्साह है और उनका यही कहना है कि सजना है सजना के लिए, जिसके लिए वो विशेष तरह का श्रृंगार करा रही हैं, क्योंकि कार्तिक माह की किस पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का ये महाव्रत रखा जाता है, और हर महिला में एक अलग सी अपेक्षा रहती है कि वो अपने पति की जो दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं उनमें वो एक अलग सा कुछ खास दिखे, जिसको लेकर के वो विशेष श्रृंगार करती हैं, और शाम को होने वाली पूजा में वो करवा माता की पूजा करती हैं और गणेश भगवान की पूजा करती हैं, साथ ही चंद्रमा को अर्घ देकर के अपने पति के हाथ से वो जल ग्रहण करती हैं और अपने व्रत का पारण करती हैं। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन रजा के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। आपको बता दूं कि आज करवा चौथ का व्रत महिलाएं रखती हैं, जो कि निर्जल व्रत रखती हैं अपने पतियों के लिए, और मैं यहां पर जौनपुर के गुटवन बाजार में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कॉस्मेटिक की दुकान है, यहां पर भीड़ भी लगी है, अंदर पार्लर भी है, अंदर डायरेक्ट हम यहां पर चलते हैं, यहां पर लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि आप करवा चौथ की पूजा पाठ को लेकर लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, व्रत भी रखते हैं। आज आप यहाँ पर दुकान पर आई है, क्या आज करवा चौथ है, क्या महत्व है आज? आप पहले बताइए करवा चौथ का व्रत है कि नहीं? अच्छा, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये त्योहार अपने पति के लंबी आयु के मनाते हैं, बिना अन्न पानी के निर्जल व्रत रहते हैं, शाम को हम सब औरतें मिलकर इस व्रत को पूरा करते हैं, और श्रृंगार जो श्रृंगार 16 श्रृंगार होते हैं वो सब करते हैं, और जब
जब सूर्य जब चंद्रमा निकलती है तब हम उनको अर्घ दे के तब उसके बाद अपने पति की पूजा करके तब पानी पीते हैं, पति हम लोग को पानी पीते तब लोग व्रत होते हैं। तो इस व्रत का क्या महत्व होता है, पतियों के लिए क्या महत्व होता है इस व्रत का? इस व्रत का महत्व इसे अपने पति की लंबी आयु के लिए हम रहते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत से फल फूल चढ़ाए या श्रृंगार बहुत ज्यादा करें, हम रहते हैं पति की लंबी आयु के लिए। तो हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए कि कितना सामान चाहिए कितना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि इतना फल फूल है तभी भगवान प्रसन्न होंगे। अपने पति की ना कि हाँ पति के लिए व्रत है तो उनसे झगड़ा करें मारपीट करें उससे कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और भी देखा जाता है कि जैसे जो आज करवा चौथ का व्रत है आज के दिन पत्नियां पतियों के लिए बड़ा फिर उसके आगे देखते हैं कि फिर पति बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? परेशान हो जाते हैं ये बात जैसे कि औरतें की तो ख्वाहिश बहुत है, कितना भी पूरा कर देंगे उनका ख्वाहिश पूरा नहीं होगा। तो हमें अपने पति के बजट के अनुसार हमें ये सब पूजा पाठ करना चाहिए उनके लंबी आयु के लिए, ये नहीं कि अपनी ही जरूरत के लिए। अच्छा, मेकअप करवाए कि नहीं अभी या करवाने आएंगे? मेकअप करवाए तो नहीं है लेकिन करवाएंगे। अच्छा, कराएंगे। हाँ। सामान वामान खरीदारी हो गया? हाँ हो गया। देखिए कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि सामानदार खरीदे और भी यहाँ पर देखो लड़कियां हैं जो कि यहाँ पर सामान खरीदारी कर रही हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि और भी जो लड़कियां हैं, आप लोग यहाँ सामान किसके लिए खरीदने आए हैं? भाभी के लिए। भाभी के लिए? अच्छा, आज आपकी भाभी भी व्रत है? अच्छा, किसी भैया के लिए? चलिए, इन्होंने बताया कि आज इनके भाभी भी व्रत है भैया के लिए, और भी हम लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ और भी हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंदर जब ये मत कविता। चलिए, तो हम लोग लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी तबीयत नहीं सही है, और यहाँ पर देख लेंगे कि फादर का जो भी काम चल रहा है इनसे बात करेंगे कि आप यहाँ पर तैयार कर रही है इनको, आज करवा चौथ का व्रत है, कितने लोग सुबह से अब तक आ रहे हैं, कल से लगातार लगातार आ रहे हैं, सबको तैयार आप करेंगे? हमारे साथ और महिला है, इनसे बातचीत करेंगे कि आज आप यहाँ पर आई है पार्लर में तैयार होने के लिए, क्या कहेंगे? आईब्रो बनवाने आए हैं। अच्छा, ये व्रत पूजा किस लिए रखा जाता है? पति की लंबी आयु। जैसे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। फिर शाम को समय आपको बता दूं कि चंद्रमा को देकर अर्घ देकर फिर जो इनका जो व्रत खुलता है, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए बहुत महत्व होता है, बहुत विशेष त्यौहार माना जाता है जिससे लोग जो महिलाएं हैं अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं। इंडिया न्यूज से अजीत गिरी, जौनपुर। आज करवा चौथ का पर्व है, यानी कि इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, सजती हैं, संवरती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनके पति की दीर्घायु हो। इस समय हम मौजूद हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ में आप देख सकते हो तस्वीरों से किस तरह सुबह से ही महिलाएं जो हैं अपने श्रृंगार के लिए हाथों पर मेहंदी रचवा रही हैं, और आज क्योंकि करवा चौथ है तो शाम को पूजा होगी और शाम को व्रत खोला जाएगा। बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? शिखा। ये बताइए, जो आपका करवा चौथ का ये व्रत है, ये कौन सा व्रत है, कितना टाइम हुआ है शादी को? ये मेरा 3 साल हो गए, लेकिन ये व्रत मेरा 4th है, चौथा व्रत है मेरा। तो किस तरीके से सेलिब्रेट करती है, क्या प्लान किया आपने पूरे दिन के लिए, क्योंकि कुछ खाना पीना तो रहता नहीं है? हाँ, कुछ नहीं रहता है अभी, तो थोड़ा सा मेहंदी वगैरह लगवाने के बाद फिर घर पे थोड़ा हस्बैंड वगैरह के साथ ऐसे ही मेहंदी वगैरह पूरा टाइम ऐसे ही हो जाएगा, फिर शाम को वही रेडी वगैरह होना, पूजा, और उसके बाद तो फिर चांद देख के अपना व्रत तोड़ेंगे। आज मेरा बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे आपका। थैंक यू। देखिए, इनका आज जन्मदिन भी है और आज करवा चौथ भी है, और भी महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके से व्रत रखा जाता है। ज़रा दिखाइए इधर लाके। मैम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर वर्षिका। अच्छा, किस तरीके से ये सेलिब्रेट करते हैं आप इस त्यौहार को, करवा चौथ को? बस ऐसे ही करते हैं खुशियों से और खुशियाँ। क्या प्लानिंग की आपने आज? आपने बताया डॉक्टर ने, किस तरीके से? क्या प्लानिंग है ऐसी? वो तो मैं नहीं बता सकती, कोई प्लानिंग नहीं है ऐसी खास। देखिए, बिल्कुल ये आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से कि सुबह से ही महिलाएं जो अपने घर से बाहर निकली हैं और घर से बाहर निकलने के बाद में जो है अपने जो मेहंदी लगवा रही हाथों में साज सजेंगी, तैयार होंगी, क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत है और करवा चौथ के दिन जो महिलाएं हैं शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक और भाई साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? भैया नीरज राजरिया नाम है मेरा। अच्छा, किस चीज़ का काम है आपका? और मेरा कपड़े का काम है, मेरी शॉप है ओम शांति स्टूडियो के नाम से। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप
जो क्योंकि आज करवा चौथ है, तैयारियां हो रही होंगी, काफ़ी शॉपिंग भी की होगी महिलाओं ने? बिल्कुल की है शॉपिंग, अच्छी खासी की। हमारी आंटी जी मेहंदी लगवा रही हैं। अच्छा। और हमारे सर बैठे हुए हैं डॉक्टर कविशंकर। ठीक है। तो ये तमाम लोग थे, आपने देखा, बातचीत की, इनसे पूछा कि किस तरीके से त्यौहार जो है सेलिब्रेट किया था, और इस त्यौहार को लेकर महिलाएं सुबह से ही काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। ये करवा चौथ का त्यौहार है और ऐसे में ब्यूटी पार्लरों में भीड़ लगी हुई है। महिला जो है वो श्रृंगार करती नजर आ रही है ब्यूटी पार्लरों में। किस तरीके से जो कार्य है वो यहाँ चल रहा है, लगातार सजावट का जो दौर है वो यहाँ मथुरा में आप देख रहे हैं। मथुरा का ये गोवर्धन क्षेत्र है, गोवर्धन में जो महिला है वो अपनी पति के दीर्घायु के लिए आज करवा चौथ का व्रत रख रही है। करवा चौथ का व्रत के दौरान वो खास श्रृंगार करती है, उसी श्रृंगार को देखते हुए वो यहाँ ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। आप देख रहे हैं यहाँ मेहंदी का जो कार्य है वो यहाँ लगातार जारी है। किस तरीके से जो मेहंदी लगाने की एक कह सकते हैं प्रतियोगिता, यानी एक शिक्षा ही होती है, कला होती है, इसी को देख किस तरीके से हाथों पे उकेरा जा रहा है। कुछ चांद बनाया है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमा तोमर है। आप मेहंदी लगा रही हैं, कहाँ से सीखे हैं ये? जी, ये मैंने ऐसे तो मैम से ही सीखा है, एंड इन्होंने कॉलेज में जो कोर्स कराया था उसी के दौरान हमें ये जितनी भी ट्रेनिंग है वो दी गई थी, तो वहीं से। क्या क्या बना रही हैं आप? इनको इन्होंने करवा चौथ स्पेशल डिजाइन इन्होंने लगवाई है। ये मेरा नाम योगिता चौधरी है। आपने देखी काफी सुंदर मेहंदी हाथों पे उकेरी है, क्या कुछ महत्व है इस मेहंदी का? हाँ, हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है इसके कि करवा चौथ का जो व्रत होता है उसमें लेडीज ना बहुत ज्यादा अच्छा दिखना चाहती है। कहती है कि जैसे शिव चौधरी शिव जी के लिए होती है, जन्माष्टमी कृष्ण जी की होती है, करवा चौथ अपने हस्बैंड के लिए व्रत करती है, तो इसमें हम लोग सारा श्रृंगार करते हैं, अपने हस्बैंड के लिए व्रत रहते हैं। ये हमारे पुरानी योग्यता मतलब मान्यता है, तो इसीलिए हम मेहंदी लगा रहे हैं। काफी महिलाएं देख रही हैं, किस तरीके खुशी का माहौल यहाँ जी? बहुत काफी कई दिनों से भीड़ चल रही है और आज शाम को मेकअप भी बहुत सारे होने वाले हैं। अभी मैं मेहंदी का रस ज्यादा चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि शाम को सबको तैयार होना है, तो इस टाइम पे सारी लड़कियां मेहंदी लगवा रही हैं। क्या नाम है आपका? वैशाली। वैशाली, मेहंदी लगवा रही है, क्या कुछ बनवा रही है इस पे? मैं तो इस पे फ्लावर बनवा रही हूँ। क्या कुछ महत्व है इसका मेहंदी लगवाने का, बताए आप? तो एक्चुअल में क्या है ना कि जो मैरिड जो जो महिलाएं होती हैं जो क्या है कि अपनी जो करवा चौथ पर बहुत ज्यादा महत्व इसी का ही होता है मेहंदी का, कि वो पता भी चलता है बहुत सारी लुगी लेडीज को कि उनके हस्बैंड को कितना प्यार करते हैं। एक्चुअली वो कलर से डिफाइन करते हैं तो एक रीजन ये भी हो सकता है। देन ये मैरिड नहीं है, ये ओनली अपने हाथों को थोड़ा डेकोरेशन के लिए, इनकी एंगेजमेंट तो हो रखी है। देखिए प्रकोल, जो 16 श्रृंगार महिलाएं जो करती हैं, क्योंकि पति की दीर्घायु के लिए विशेष श्रृंगार किया जाता है, और देखिए ये देखिए यहाँ श्रृंगार चल रहा है। क्या नाम है आपका? दीक्षा शर्मा। दीक्षा शर्मा, फेशियल यहाँ चल रहा है। हाँ, इस खुशी में करा रही हैं आज? ऐसे ही करवा रही हूँ मैं तो, करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखा मैंने तो। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं करवा रही हूँ, करवा चौथ आगे तो रखूंगी ना कभी। देखिये मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है और राधा कृष्ण के प्रेम की एक प्रतीक मानी जाती है। हाँ जी। क्या कुछ खास यहाँ देखने को मिल रहा है, किस तरीके का रस यहाँ देखो महिलाओं मिल रहा है? यहाँ पे तो बहुत भी, इस वाले पार्लर में तो बहुत भीड़ थी, कल भी मैं आई थी, परसों भी आई थी, तो मेरे को जगह ही नहीं मिली, तो फिर आज मैंने कॉल करके इनको बोला, तब मैं आके अपना फेशियल मैंने आज कराया, वरना मैं कल ही करा लेती। तो देख रहे हैं आप किस तरीके के जो सज धज करके आज अपने पति की दीर्घायु के लिए जो महिला है वो व्रत और सजावट का जो दौर है वो यहाँ चल रहा है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। देहरादून में हूँ और पूरे करवा चौथ का जो व्रत होता है ये पति की लंबी उम्र के लिए होता है, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो महिलाएं हैं वो मेहंदी लगा रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये जो जो सुहागन जो महिलाएं होती हैं उनके लिए व्रत जो है पति की मनोकामनाओं के लिए जो है भगवान से भी दुआ करती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही है। मैम आपका इंडिया न्यूज़ पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? किरण नाम है मेरा, किरण मुराठिया। और पूछे क्या पूछे थे? अच्छा, देना चाहोगे जो? बस मेहंदी लगाई जा रही है, कल की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, बस इसी तैयारी में लगे हुए हैं, और सभी महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, और कल ये 20 तारीख की यानी 20 अक्टूबर को व्रत है हमारा। और बताइए, और भी है यहाँ पे मैम है, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये भी देखिए किस मेहंदी लगाई जा रही है, क्योंकि करवा चौथ का जो फेस्टिवल होता है इसमें जो है काफ़ी उत्साह होता है महिलाओं को लेके, खरीदारी करती हैं और कल जो है व्रत भी रखती है, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती है। बातचीत करते हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं मैम,
क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना है। मैं ये बोलूंगी कि इसमें जितना उत्साह हमें है उतना उत्साह हमारे परिवार वालों को भी है और सभी लोग हमारा साथ भी देते हैं। सजने संवरने का बहुत अच्छा मौका है और हर तरह से मतलब अब से दिवाली शुरू है तो अपने आप एक बहुत खूबसूरत सा माहौल जो बन गया है। मैं सभी को बधाई देती हूँ इस त्योहार की। थैंक यू। क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि सभी अपने पतियों के लिए व्रत करें, अच्छा हो लगता है, पतियों को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है और सजने संवरने का एक मौका भी मिलता है। पति हस्बैंड हमें गिफ्ट देते हैं, हम उनको देते हैं तो दोनों को ही अच्छा लगता है। और सभी जैसे कि हम मेहंदी लगवाने आ रखे हैं यहाँ पे और आप मेहंदी देख सकते हैं, अभी सिर्फ एक ही हाथ पे लगी हुई है। ठीक है, वो जो बर्थ होता है वो जो कौन कौन सी देवी का होता है जो बर्थ महिलाएं रखती है उसका डिस्कस करिए। जो बर्थ रखते हैं करवा माँ का ये व्रत होता है और इसमें करवा पूजा की जाती है। शाम को चांद देख करके जैसे कि सभी जानते ही हैं, चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है, बस इतना ही। और सब करवा चौथ है और तैयारियां चल रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से जो महिलाएं जो है पर्व को मनाती हैं, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। यह व्रत अपनी अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए होता है और अच्छा इधर देखो और सब अपने खुशियां करते हैं, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, सॉरी। ठीक है, अपने अपने हिसाब से करेंगे, सब अपनी खुशियां जारी करेंगे अपने हस्बैंड को। होते ही त्यौहार खुशी का है, सौभाग्य का है, अपने उसका उसका है, क्या बोलते हैं, परंपराओं का है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हार्दिक अठहर। आज आप खरीदारी कर रहे हैं? खरीदार के चूड़ी पहन रहे, बिंदी वो दोहराने के लिए सिंगार का सामान ले रहे, जिठानी को दे रहे, मैं दोहराने भी दे रहे, चूड़ी बिंदी सारा सिंगार, मेहंदी लगाएंगे सारे, कल एंजॉय करेंगे बढ़िया, फोटो खींचेंगे, दोहराने चिठाने के नहीं होते देने देने, मेरे को देंगे मैं इनको देंगे, कपड़े लत्ते सारे, बस खुशी का माहौल है। कल मेहंदी ले जा रहे, मेहंदी लगाएंगे, अभी लगा के जाएंगे यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद। हिंदू धर्म के इस त्यौहार, कह सकते हैं महत्वपूर्ण त्यौहार करवा चौथ का आज दिन है, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। आपको बता दें ये त्यौहार इसलिए स्पेशल है कि इसमें जो महिलाएं हैं शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने पतियों के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, उसके बाद चंद्रमा को देख करके रात में व्रत तोड़ती हैं और अपने पिता पति के लिए लंबे उम्र की कामना करती हैं। कहा जाता है ये त्यौहार तब से मनाया जा रहा है जब महाभारत काल में अर्जुन के प्राणों पर संकट आया था और उनकी पत्नी द्रौपदी ने उनके लिए व्रत रखा था, तब से ये कथा प्रचलित है और लोग महिलाएं हैं वो इस व्रत को करती चली आ रही हैं। आपको दिखा दें बाज़ारों में रौनक है और किस तरीके से लोग यहां पर जो पूजे जाने वाली सामग्रियां हैं इस त्यौहार में वो यहां पर बढ़ चढ़ के खरीद रहे हैं। कुछ पति भी हैं, कुछ पत्नियां हैं, कुछ दुकानदार हैं, कुछ लोग हैं, वो सब मिल करके इस बाज़ार की रौनक यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं रंग बिरंगे करवा यहाँ पर बिक रहे हैं, उनके ऊपर डियाली भी हैं, सीके भी हैं। आंटी जी बैठी हैं, इनसे बात कर लेंगे। सुबह से कितने करवे आपने बेचे हैं? सुबह से मैजा 20-25 करवा, हाँ दुकानदारी कम है, जिसको लेना था वो कल लेके गया, जिसको लेना था कल ले, आज कम है परसों ज़्यादा बह रहे। कितनी देर तक बेचेंगे अभी? अभी 5 बजे तक है बेचेंगे। कितने का दे रही हैं? 40-45। तो ये माटी का बेच रही है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, बहुत पूजा में मेन चीज़ है कुल मिला कही जाए तो। क्या कहेंगे इसके बारे में, पूजा के बारे में क्या कहेंगे? पूजा के बारे में अच्छी चीज़ है, मतलब शुभ होती है, शुभ होता है, हो गई होगी। और लगभग 2-3 दिन तो बेचे थे, 4-5 हज़ार के लगे बेच डर रहे। चलो बहुत बढ़िया, तो आपके लिए अच्छा त्यौहार है। दादा बेच रहे हैं, फूल भैया बेच रहे हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। फूलों का भी महत्वपूर्ण कार्य है पूजा में। क्या नाम है? दीपांशु। सुबह से बेच रहे हो? कब से बेच रहे हो? सुबह से अभी आए। अभी आए हो? कितने के फूल बेचे? 100 का। 100 रुपये बेच दिया। तो जो मुख्य चीज़ें हैं वो लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। कुछ बहन जी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बहन जी आपसे दो मिनट बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? दीप्ति।
करवा चौथ जो पूजा व्रत है उसके बारे में कुछ बताएं, इसलिए रहा मतलब अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए ही रहा जाता है आखिर, उन्हीं के लिए उनके लिए पूजा की जाए, चांद दे के व्रत खोला जाता है, बस इतने। कुल मिला के महिलाओं के लिए स्पेशल डे है आज। जी जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए ही है। सामान्य सारी पूजा की तैयारी हो गई? बिल्कुल हो गई है सारी, लिस्ट बना के लाए बिल्कुल लिस्ट बना के लाए हैं कि सामान सारी चीजें मिल गई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये बाजार है और इस बाजार में आप देख सकते हैं सारी चीजें हैं मौजूद।